पिछले लगभग 20 सालों से बूढ़ा गांव खटतोली बरगमा सड़क दुर्दशा का दंश झेल रही है, जिससे आम लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। खस्ता हाल सड़क का सुधार करने को लेकर जिम्मेदारों द्वारा भी लापरवाही बरती जा रही है, जिसके चलते आवागमन करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। इस मार्ग पर पड़ने वाले गांव पिपरी, गुड़ेला, बूढ़ा गांव, धोबिया, खटेली के लोगों में इस जर्जर मार्ग को लेकर आक्रोश पनप रहा है। आपको बता दें, लगभग पिछले 15 से 20 सालों से यह सड़क खराब है। सड़क सुधार कार्य करने को लेकर जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से 11 किलोमीटर सड़क पर 2 से 3 फीट गहरे गड्ढे हो गए हैं। अब इन गड्ढों में बारिश का पानी भर गया है, लोग गड्ढों में गिरकर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, वाहन भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। खटेली बूढ़ा गांव बरगामा की सड़क है जी, आज बरसात हुई है जी रात में, तो किस तरीके की, इसमें गड्ढा तो है ही है पहले से है जी, तो किस तरीके की समस्याएं आती हैं आप लोग किसान हैं? मतलब जो अभी देखिए एक ट्रक मतलब जो फिसल गया जी, मतलब जो खंती में मतलब बच गया, खंती नहीं गया क्योंकि चौड़ी नहीं है बिल्कुल, मतलब दूसरी रास्ता क्रॉस नहीं होती, दूसरी सवारी कोई क्रॉस नहीं होती जी। अब बहुत मुसीबत मतलब होती, मतलब कितनी फिसलन लगा, कितने दिनों से ये सड़क ऐसे पड़ी है? तो हमारे बचपने से रहे, बचपने से हाँ, आज हम 54 साल हुई है जब से सुध हमारी है। बाकी हर जगह सड़क देखते हैं, लेकिन इससे हमारे हमें मालूम होता है हमारी जिंदगी में ही मतलब सड़क नहीं बन पाएगी। तो क्या लगता है, सरकार की गलती है यहाँ की जनप्रतिनिधि की गलती है? ना जनप्रतिनिधि क्या कर सकता है, सरकार गलती है, सरकार देखना चाहिए और जन इन लोगों को मतलब सूचना देना चाहिए मतलब कहाँ क्या समस्या है। रोड पर कौन कौन समस्या आती है आप? समस्या बहुत खराब, दूसरों वाहन ना निकल पाओ, बहुत गड्ढा है, बहुत चाला है, दूसरों वाहन ना निकल पाओ। अच्छा, तो रोड को बनना चाहिए? नहीं, रोड बनना चाहिए भाई। अच्छा, तो मतलब आए दिन एक्सीडेंट होते हैं लेकिन इसकी कोई आवाज नहीं उठाता, तो आपको लगता है उठाना चाहिए? हाँ, उठाना चाहिए भाई। अच्छा, किसान है तो किस तरीके की आपको इस रोड पर समस्याएं आती हैं? अरे इस तो समस्या बहुत, मतलब गड्ढे गुड्ढे बहुत रोड पे हैं। अच्छा, तो कल बारिश हुई, लौटने में लौट जाते हैं। तो मतलब आपको क्या लगता है इसमें किसकी गलती है? इसमें सरकार की गलती है। सरकार की गलती तो बनना चाहिए। हाँ, ये रोड बनना, तो आप तो युवा हैं, आप लोगों को आवाज उठाना चाहिए इसको लेकर। अब युवा सब कहाँ इतनी आवाज उठाते हैं रोड बनने के लिए, मतलब कहें तो रोड तो बनना चाहिए, चौड़ी रोड होना चाहिए इसमें। अच्छा।